हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ परमानंद और आज आप देख रहे हो एपिसोड नंबर 7। दोस्तों वैसे तो आपने दुनिया में बहुत सारे जानवर देखे होंगे, लेकिन आज मैं जो आपको जानवर बताने जा रहा हूँ वो शायद आपने कभी देखे हो। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, काफी छोटा वीडियो है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों तो आज की लिस्ट में नंबर 5 पर मौजूद है रॉक्सिलानी मंकी। ये बंदर बाकी बंदरों से बिल्कुल अलग दिखते हैं, जिसमें नर बंदर मादा बंदर से ज्यादा बड़े होते हैं और नर बंदर का कलर ब्राउन और ब्लैक होता है, वहीं मादा मंकी का कलर सूरज की रोशनी में एकदम सफेद चमकता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों हमारी प्रकृति कितनी अजीब है, कहीं खतरनाक तो कहीं ब्यूटीफुल दिखती है। नंबर 5 पर है मार्कोर गॉट। दोस्तों अगर आप एक ऐसे राक्षस को देखते हो कि वो एलियंस के रेडियो सिग्नल को पकड़ रहा है, तो वो जरूर मार्कोर बकरी होगी। दोस्तों यह बकरी 6 फीट तक लंबी होती है और 5.2 फीट तक के सींग होते हैं। दोस्तों यह अपने सींगों का यूज करके दूसरे जानवरों से लड़कर मादा को लुभाते हैं, जैसे हीरो हीरोइन को। दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि जानवर भी इंसानों जैसे वार्तालाप रखते हैं। आज की लिस्ट में नंबर 3 पर मौजूद है इम्प्रोर टैमरिन। दोस्तों इस जानवर की हाइट सिर्फ 10 इंच की होती है और इनकी मूंछ इनमें मुंह से बड़ी होती है, पूंछ इनके शरीर से बड़ी। दोस्तों ये जानवर ज्यादातर ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और इन जानवरों में से कुछ जानवर मांसाहारी तथा कुछ जानवर शाकाहारी होते हैं, जिनमें से मांसाहारी जानवर मछली या फिर मेंढकों को खाते हैं। तो आज के लिस्ट में नंबर 2 पर मौजूद है क्लाउड एंटीलोप। दोस्तों इसका नाम क्लाउड एंटीलोप इसलिए है क्योंकि ये बादलों में रहता है, ऐसा दुनिया मानती है, और इसकी तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। यह एक अफवाह है दोस्तों, यह बिल्कुल झूठ है क्योंकि यह एक टॉय है जिसे एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। दोस्तों ऐसा ही इंटरनेट पर कुछ चीजें झूठ भी होती है। दोस्तों तो आज की लिस्ट में नंबर 1 पर मौजूद है मलेहन कलोगो। दोस्तों इसको लोग मानते हैं कि यह उड़ती है और नीच जमीन पर भी चलती है, लेकिन यह भी बिल्कुल झूठ है। दोस्तों यह एक कमजोर सा जीव है जो सिर्फ पेड़ों पर डंगा रहता है। दोस्तों इसमें ना तो कोई उड़ने की चीज है, सिर्फ यह एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगा के जा सकती है। दोस्तों इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें अफवाह के रूप में फैलाई जाती हैं और आप उन पर भरोसा भी कर लेते हैं, लेकिन पूरी चीजें सही नहीं होती और पूरी गलत भी नहीं होती। दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। दोस्तों प्लीज मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।